हाय गाइस, वेलकम बैक फॉर द वीडियो में चलो। सो आज मैं करने वाली हूँ मेरा गो टू मेकअप, जो मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी कंसीलर, जो कि मेरे शेड में है एंड बहुत लेस अमाउंट ऑफ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए है। और मैंने कहीं भी फेस पे कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आईज़ के वहाँ किया है, जिसको मैंने ब्लेंड अच्छे से कर लिया है। एंड जो भी ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट है अभी, उसी को मैं पूरे फेस पे अपने डैब डैब कर लूँगी। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। देन आते हैं कॉम्पैक्ट की तरफ, जो कि मैंने लगाया है अपने आईज़ पे। ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत जल्दी क्रीज आ जाती है, तो मैं बहुत सारा वहाँ पे लगाना प्रेफर करती हूँ। एंड देन मैं उसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, बिकॉज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से कहीं ना कहीं अपने पूरे फेस पे प्रोडक्ट लगाया है, तो मेरे माउथ के यहाँ पे भी बहुत क्रीज आती है, तो मैंने वहाँ पे लगा लिया। देन मैक तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अलग से दिखता है। देन मैंने नया प्रोडक्ट ट्राई ऑन किया, जो कि है बनाना पाउडर, और इसका रिव्यू मैंने लास्ट में दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और इसको मैंने अंडर आई पे किया है यूज़, और अपने माउथ की साइड पे भी किया है, क्योंकि मुझे ये पता है इसको ये वहाँ वहाँ यूज़ होता है जहाँ जहाँ आपके क्रीज आते हैं, मेरे को ये पता है। तो ऑफकोर्स मैंने वहाँ वहाँ इसको लगा लिया, क्योंकि ज़्यादा मेकअप नहीं था तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कम अमाउंट में चल गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा और लगा के आ जाती हूँ, बट ऐसा मत सोचना कि मैंने बहुत सारा लगा लिया। मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। एंड आईलिड में भी डिफरेंस था, काफ़ी वाइट भी कर दिया था इसने, बट हाँ ये सेटल डाउन हो रहा था। और इसके रिव्यू के लिए यू हैव टू वेट टिल एंड। सो मैंने इसको अपने आई यहाँ माउथ के यहाँ पे लगाया, आईज़ के यहाँ लगाया। अब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, अब मैं करूँगी अपना फेवरेट पार्ट, विंग आई लाइनर, जो लगाने में बहुत डर लगता है। थोड़ा भी गलत होता है ना कि पतला लगाना, और तब ज़रूर से वो मोटा लग जाता है। सो और मेरे को तो लगाना भी सिर्फ साइड पे था, पूरी आईज़ पे लगाना नहीं था, बट कभी कभी ऐसा होता है वो खिंचता खिंचता इतना लंबा चला जाता है कि वो बस फिर पूरी आईज़ पे लगाना पड़ता है। बट थैंक गॉड बच गई, मुझे लगा था दूसरी आईज़ पे कैसे लगाऊंगी, पर लग गया, ठीक ठीक लगा था, बट लग गया। फिर मैं बहुत खुश थी कि लग गया, और जब वीडियो के लिए लगाना था तब लग गया, बाहर जाती तब नहीं लगेगा। अब मैं कर दूंगी डस्ट ऑफ उस बनाना पाउडर को। सो ये दोनों आईज से मैंने अच्छे से इसको डस्ट ऑफ कर दिया था, एंड आप देख सकते हो कि वो हो चुका है, अब इतना वाइट नहीं है वो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लश। सो ये मैंने नया प्रोडक्ट ट्राई किया है ये भी, और बहुत अच्छा इफेक्ट था। मैंने इसको ब्लेंडर से ही लगाती हूँ, बहुत लोग इसको ब्रश से लगाते हैं, मैं इसको ब्लेंडर से लगाती हूँ। तो मैं इसकी फ्रेगनेंस लेती आ रही थी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी। सो मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा वो भी मैं एंड में बताऊँगी। और ये है मेरा फेवरेट मस्कारा, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज बहुत अच्छा मस्कारा है, ये बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है। पर आप देखो क्या हुआ है, सब खराब हो गया है। सबसे गंदा पार्ट होता है ये मस्कारा लगाते हुए, जब ये ऊपर लग जाता है। बट ठीक है, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और सही कर लिया था अपना। देन मैंने वापस उसको लगाया, मैं वेंट दिखा रही थी कि एक तरफ से स्ट्रेट है, एक तरफ से कर्ल है, और इसकी वजह से बहुत अच्छी एक वॉल्यूम दे देता है और बहुत अच्छे से कर्ल भी हो जाती है आईलैशेस। सो आई लव दिस मस्कारा, मतलब बहुत अच्छा मस्कारा है ये। बट अब मैं अपनी बार बार आईलैशेस देख रही थी, आईज़ देख रही थी, बहुत बहुत अच्छी ना एक लेंथ दे देता है। एक तो वैसे मेरी आईलैशेस की काफ़ी लेंथ है ऑलरेडी, और उनको ये और वाइड कर देता है। बट आप देख सकते हो मस्कारा से मिस हैपनिंग बहुत होती हैं। अब इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। सो मैंने पहले नीचे जो अपनी लोअर लैश लाइन है उस पर मस्कारा लगा लिया ढंग से, और फिर मैं उसको वॉश तो नहीं बट हाँ सही कर लूँगी। एंड देन मैंने आईब्रो सिर्फ ब्रश की है, बिकॉज मेरे को कलर की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे पास बहुत हैं भाई। इसकी वजह से क्रीज बिल्कुल नहीं आई, मैंने बहुत देर तक मेकअप रख के देखा था इस। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ब्लश। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बिगनर्स ना करें, बिकॉज ये ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम ले रहा था। आप लोग देख सकते हो ये बिना रिंग लाइट और फ्लैश के है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।